नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारिक दालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरमन रंजन, आपका भूगोल और पर्यावरण का अध्यापक, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको सलाह देता हूं कि दुनिया भर में जो संक्रमण फैल रहा है कोरोना, उसे अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। और न केवल अपने आप को सुरक्षित रखिएगा बल्कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश को भी सुरक्षित रखिएगा। यहां पर हम परिवेश, एक हमने शब्द यूज किया परिवेश, और आज मैं आपको परिवेश ही पढ़ाने आया हूं। परिवेश यानी पर्यावरण, परिवेश यानी पर्यावरण। आखिर हम आपको सीटेट की तैयारी कराने के लिए यहां पर आए हैं। आज से टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपके लिए सीटेट का शंखनाद हो चुका है, सीटेट की तैयारी हो चुकी है। पढ़ाता हूं मैं, आप लोग में से कई सारे लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, पढ़ाना बाद में। पहले कुछ चीजें हैं जिनको समझ लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, अपने परिवेश की, आपको अगर सिलेबस आपका देखा जाए, सीटेट का सिलेबस देखा जाए, तो ये रहा एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय शिक्षा। यहां पर 15 प्रश्न आएंगे, देखिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर यानी आश्रय, हमारा आवास, वाटर, ट्रेवल। अगर आप इन सबको देखेंगे तो ये हमारा, इन्हीं सबसे मिलकर हमारा परिवेश बनता है। क्या बनता है? परिवेश। और यदि इस परिवेश में किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती है, तो हमें बहुत ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आप सभी के सामने है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में भी एक संदिग्ध पाया गया, जो कि एक विद्यार्थी है, इटली से लौटा हुआ है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपने परिवेश को सुरक्षित रखिएगा और बाहर मत निकलिएगा। और बाहर ना निकलिएगा इसके लिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए ही ये बैच लॉन्च किया जा रहा है, सीटेट, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है। आइएगा पहले हम इसकी विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं आपके हित के लिए ही चलाते हैं। और इतना हमारे ऊपर विश्वास रखिएगा, जो प्रॉमिस हम आपसे करते हैं वो प्रॉमिस पूरे के पूरे होते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहां पर सिलेबस, अगर सिलेबस को देखें तो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी पहले एक बार हम आपको सब समझा दें, परिवार एवं मित्र समझना है, मित्र क्या होता है, परिवार क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, संबंध, ठीक ना। उसके बाद हमारा वर्क एंड प्ले, हमारा खेल, खेलकूद से संबंधित प्रश्न आते हैं। अमूमन ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हॉकी में कितने क्रिकेटर या कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल कितने लोग मिलकर खेलते हैं, इस प्रकार से। एनिमल्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार तो क्रो यानी कोयल और कोआ में डिफरेंट पूछ लिया जाता है, उनकी आंखों के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा पक्षी है जो तेजी से अपनी गर्दन को पीछे की ओर झटकता है, इस प्रकार के यहां पर प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्लांट्स में 1 GB, 2 GB, ये सारे के सारे आते हैं, प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे भोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, भोजन और भोजन में संतुलित भोजन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि आखिर संतुलित भोजन क्या होता है, वसा की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी। उसके बाद फूड हो गया, शेल्टर, आश्रय। कई बार सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में कि इग्लू घर कौन बनाते हैं, जो कि एक बर्फ का घर होता है, इसको कौन बनाते हैं, बांस के घरों पर कहां के लोग निवास करते हैं, जापान में आमतौर पर घर किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक ना, चापाकार के कहां पर घर बनाए जाते हैं, वृत्ताकार आकार में कहां पर घर बनाए जाते हैं, कहां के घरों की छत ढलान नुमा बनाई जाती है, इस प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हमारा वाटर, आज आप देख ही रहे हैं वाटर से ही सब कुछ है, ठीक ना। प्रदूषित जल, अगर जल में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाएंगे, स्वच्छ पानी आप किसे कहेंगे, ठीक ना, भारी जल आप किसे कहेंगे, ये सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद यात्रा, और यात्रा के बाद थिंग्स बी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहां से एक पोर्शन आपका पेडागोजी का स्टार्ट होगा, और आप यकीन मानिएगा इस बार का जो पेडागोजी होगा, एनवायरमेंट पेडागोजी, वो आपको एक अनोखे अंदाज में पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए आपके लिए मेहनत की जा रही है और एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा पेड बैच में, ठीक ना। आइएगा, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ये हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि यह सिलेबस
टीईटी के सिलेबस से जस्ट विपरीत है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर ना तो आपसे प्रदूषण पूछा जाएगा, ना आपसे जैव विविधता। हां, यहां पर एक प्रश्न और बनता है, कई बार वो भारतीय मानचित्र से प्रश्न पूछ लेता है कि दिल्ली के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, या गोवा के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। यानी आपको वर्क सीट यानी मानचित्र पर आधारित प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये पेडागोजी वाला सेक्शन हो जाता है। देखिएगा, पेडागोजी में एक सेक्शन लिखा है एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, ठीक ना। ये सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, तो मैं यहां से अभी आपको पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूं। फैमिली क्या होती है, ठीक ना, फैमिली क्या होती है, परिवेश क्या होता है, इन्हीं सारी चीजों को हमें समझना है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं परिवार की, अगर हम बात करते हैं परिवार, तो आपके सामने जैसे ही मैंने परिवार लिखा, तो इंग्लिश में आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप में देखिएगा, मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज समझनी होगी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सीटेट लोग बाग सीटेट के नाम पर एडमिशन ले लेते हैं और कोचिंग संस्थान एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो सीटेट की जगह यूपीटेट पढ़ाने लगते हैं। नहीं, यूपीटेट अलग है, सीटेट अलग है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ठोस पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को समझना है। जैसे ही आपके सामने एक शब्द आता है परिवार, आपके सामने एक भूमिका बनने लगती है, कई सारे लोगों का समूह। परिवार मतलब क्या, कई सारे लोगों का समूह। तो परिवार जो है वो कई सारे लोगों का समूह हो सकता है, लेकिन परिवार में जब कई सारे लोगों का समूह आ जाता है, तो उसके लिए हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में एक शब्द यूज किया जाता है, खानदान। क्या नाम दिया जाता है, खानदान। तो खानदान मतलब लोगों का समूह, और उस खानदान के अंतर्गत कई सारे परिवार हैं। यानी परिवार जो है वो क्या है, खानदान की एक इकाई है, खानदान की एक इकाई है। और अगर हम बात करें कि खानदान क्या है, तो खानदान का मतलब होता है गोत्र से। खानदान का मतलब क्या होता है, गोत्र। एक गोत्र वाले लोग जहां पर निवास करते हैं, उस पूरे क्षेत्र को नाम दिया जाता है खानदान, और उसी खानदान की एक इकाई के रूप में किसको परिभाषित किया गया, उसी खानदान की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया परिवार को। और अब इस परिवार को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इस परिवार को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, दो। एक परिवार जिसको नाम दे दिया गया ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, एक परिवार संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, और दूसरा नाभिकीय परिवार, नाभिकीय या एकाकी परिवार, नाभिकीय या एकाकी परिवार, नाभिकीय या एकाकी परिवार, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियर, और संयुक्त को ज्वाइंट फैमिली, ठीक ना। अब समझिएगा, संयुक्त परिवार और नाभिकीय परिवार, ये आमतौर पर बड़ा अच्छा है, और हमारे आसपास में ये चीजें बहुत अच्छी पाई जाती हैं कि किसको हम संयुक्त परिवार कहेंगे, किसको नाभिकीय। अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें, तो संयुक्त परिवार की अगर बात कर रहते हैं, तो हम परिवार का मतलब यहां पर खून, ब्लड से निकालेंगे, ठीक ना। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें दो पीढ़ी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया संयुक्त परिवार, ठीक ना। अगर हम बात करें कि दो पीढ़ी के लोगों का मतलब क्या है, मान लीजिएगा एक दादाजी हैं, दादाजी को हमने ए नाम दे दिया, ए नाम के एक दादाजी, और इन दादाजी की एक बी नाम की दादी से शादी हो गई, बी नाम की दादी जी से इनकी शादी हो गई। अब इन दोनों के द्वारा एक पुत्र की, एक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति का जन्म होता है, उसका नाम हम सी लिख देते हैं, सी। इनका एक लड़का है, पुरुष है, मतलब ये लड़का है, और इसी लड़के की एक डी नाम की लड़की से शादी करा देते हैं, लड़की से क्या करा देते हैं, डी नाम की लड़की से इसकी शादी करा देते हैं। अब समझिएगा,
अब जिस प्रकार ए और बी यानी दादा दादी की शादी हुई और इनका एक लड़का हुआ और उस लड़के की एक लड़की से शादी करा दी गई, इनके द्वारा भी एक बच्चे को जन्म दिया जाएगा। मान लीजिएगा इनके द्वारा एक बेबी को, एक बच्चे को जन्म दिया गया और इसका नाम है ई। इसका नाम क्या है? ई। तो दादा जी, दादी जी और उनका बच्चा यानी उनका लड़का एक पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी हो गई। दादाजी में और दादी में जो ब्लड है वही ब्लड इनके बच्चे में भी पाया जाएगा, ए रिलेशनशिप भी होगा, ठीक ना, वही ब्लड इनके बच्चे में भी पाया जाएगा। तो अगर दादा दादी जी और उनका लड़का है तो ए अभी तक एक संयुक्त एकाकी परिवार है। क्या? एकाकी। और जैसे ही ये लड़का की इस लड़की से शादी हो जाती है और ये लड़की भी इस लड़के के साथ उसके माता पिता के साथ रहती है तो क्या हो जाएगा, एक ब्लड हो गया दादा दादी और उनके बच्चे का और दूसरा ब्लड हो गया उस लड़की का। और उस लड़की और इस लड़के के माध्यम से जिस बच्चे का जन्म होगा तो इसका ब्लड और इसका ब्लड और इसका ब्लड, इसका ब्लड और इसका ब्लड एक समान हो गया और ऊपर वाले तीन लोगों का ब्लड एक समान हो गया। तो यहां पर दो पीढ़ी के लोग रह रहे हैं। कितने पीढ़ी के? दो पीढ़ी। यानी यहां पर पीढ़ी का मतलब आपको ऐसे नहीं समझना है कि दादा दादी और उनका बच्चा, नहीं, अभी बच्चे की जब शादी हो जाएगी तब ये तीन पीढ़ी होगा, अभी तक ये दो ही पीढ़ी है। यानी हम ब्लड देखते हैं, अभी तक इनमें दो प्रकार का ब्लड है, एक तो दादाजी का ब्लड उनके लड़के में दौड़ रहा है और उस लड़के का ब्लड उसके बच्चे में है। तो ये दो पीढ़ी के लोग हो गए और इसी को एक नाम दे दिया गया। और नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया संयुक्त परिवार। क्या नाम दे दिया गया? नाम दे दिया गया इसको संयुक्त परिवार। अब चलिएगा, अगर हम संयुक्त परिवार से आगे बढ़ते हैं, संयुक्त परिवार से नाभिकीय या एकाकी परिवार। बात समझ में आई? संयुक्त परिवार, नाभिकीय या एकाकी परिवार की अगर बात करें तो एक ऐसा परिवार जिसमें एक पीढ़ी के लोग रहते हो, एक ऐसा परिवार जिसमें एक पीढ़ी के लोग रहते हो, एक ऐसा परिवार जिसमें एक पीढ़ी के, जिसमें एक पीढ़ी के लोग निवास करते हो, लोग मिलजुल कर रहते हो, मिलजुल कर रहते हो, तो उसे क्या नाम दे दिया गया? उसे नाम दे दिया गया नाभिकीय परिवार। क्या नाम? नाभिकीय परिवार। एक पीढ़ी के लोग होने चाहिए। एक पीढ़ी के लोगों के से तात्पर्य क्या है, आइएगा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिएगा एक दादाजी हैं, दादाजी और उनका विवाह एक दादीजी के साथ हुआ, दादीजी, दादाजी का नाम मान लीजिएगा ए है और दादीजी का नाम मान लीजिएगा बी है, और इन दोनों के माध्यम से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम है सी। मान लीजिएगा इनका पुत्र है और चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं, मान लीजिएगा इसका नाम है श्याम। इसका नाम क्या है? मान लीजिएगा इसका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। तो एक एकाकी परिवार हुआ है। एक किस प्रकार का परिवार है? एकाकी परिवार है, क्योंकि जिस प्रकार दादाजी का ब्लड ही उनके बच्चे में है। लेकिन जैसे ही सी यानी श्याम की, जैसे ही राधा से शादी हो जाती है, श्याम की राधा यानी डी से शादी हो जाती है, अब ये परिवार नाभिकीय परिवार नहीं रहा, अब ये परिवार नाभिकीय परिवार नहीं रहा, बल्कि अब ये ज्वाइंट फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली हो गई, क्योंकि ये इसका ब्लड अलग है, इसका ब्लड और इनका, इनका इन तीनों का ब्लड एक प्रकार है और इसका ब्लड एक प्रकार होगा, ठीक ना। और जैसे ही सी और डी की शादी के बाद इनको एक ई नाम का बच्चा हो जाता है, अभी भी ये संयुक्त परिवार है, अभी भी ये संयुक्त परिवार है। पीछे मैं बता चुका हूं, मतलब मेरा कहने का ये है, अभी भी ये कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार है। अब संयुक्त परिवार है, अगर हम इससे कहें, अगर मान लीजिएगा ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है कि श्याम और राधा अपने माता पिता, श्याम अपने माता पिता से अलग होकर रहने लगता है, तो एक फैमिली हो जाती है जिसमें ए और बी नाम के व्यक्ति है यानी दादा और दादी, और एक परिवार बन जाता है जिसमें सी डी और ई नाम के व्यक्ति हैं। तो सी डी ई एक अलग परिवार हो गया, ए भी एक अलग परिवार हो गया। ऐसे परिवारों को नाम दिया जाएगा नाभिकीय परिवार या एकल परिवार। यहां पर मैं समझाना आपको यह चाहता हूं कि जब तक एक लड़के की, एक पुरुष की जब तक शादी नहीं होती है, जब तक उसकी शादी, उसका विवाह नहीं होता है, जब तक वो अपने माता पिता के साथ रहता है, अविवाहित रहता है, जब तक उस परिवार को हम नाभिकीय परिवार कहते हैं, जब तक उस परिवार को हम नाभिकीय परिवार कहते हैं। और जैसे ही दूसरे वर्ग का जैसे श्याम, श्याम में अपने पिताजी का ब्लड है
लेकिन राधा किसी और परिवार से आई है और उसका ब्लड श्याम के ब्लड से और उसके माता पिता के ब्लड से नहीं मिलता है, लेकिन श्याम और राधा के द्वारा एक पुत्र की जो प्राप्ति होगी उसमें अपने मम्मी और पापा का ही यानी राधा और श्याम का ही ब्लड होगा, तो ये इन दोनों से संबंध रखेगा, लेकिन राधा इसके ऊपर वाले यानी दादा इसके माता पिता और श्याम से संबंध नहीं रखेगी। तो जहां पर भी अविवाहित शब्द होगा वो परिवार अभी तक क्या होगा, नाभिकीय परिवार होगा। और जैसे ही उसमें दूसरे किसी अन्य परिवार से कोई कन्या आ जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो परिवार कैसा हो जाएगा, संयुक्त। मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर मैं हूं, मेरे पास मेरे मम्मी पिताजी है, मेरे मम्मी पापा है और मैं हूं, मैं अविवाहित हूं, तो अभी तक मेरा परिवार जो है वो मेरे मम्मी पापा और मैं हूं, तो ये मेरा कौन सा परिवार है, ये मेरा नाभिकीय परिवार है। और मेरी शादी हो जाए कल के दिन और मेरी पत्नी आ जाती है, तो अभी भी ये नाभिकीय परिवार है, और मेरी पत्नी के द्वारा जो बच्चे का जन्म होगा, जो एक बच्चा हो जाएगा, अभी परिवार कैसा हो गया, अभी परिवार संयुक्त परिवार हो गया, क्योंकि इसमें दो ब्लड है, एक मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा मेरा बच्चा है और एक मैं हूं जिनका जन्म मेरे माता और पिता के द्वारा हुआ है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, लॉजिक आपको लगाना है कि जहां पर भी दो ब्लड पाए जाएंगे, दो प्रकार के ब्लड रिलेशन पाए जाएंगे, वहां पर कौन सा परिवार होगा, संयुक्त, और जहां पर एक प्रकार का पाया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, वो नाभिकीय होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो नाभिकीय होगा। अब मैं थोड़ा आपको अब यहां से पेडागोजी वाले सेक्शन पे ले चलता हूं। आप लोगों में से कोई मुझे, आप लोग पहले भी परीक्षाएं देते रहे हैं, कि आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि पेडागोजी का अर्थ क्या होता है, पेडागोजी का अर्थ होता क्या है। मैं हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कर शिक्षण, नहीं, मैं पेडागोजी का आपसे मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, इसका मैं अर्थ पूछ रहा हूं कि इसकी व्याख्या अगर आपको करनी हो, पेडागोजी है क्या, क्या आपसे बताएंगे, पेडागोजी है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्या, तो पेडागोजी मतलब एक अवधारणा, और इस अवधारणा में दोनों चीजें हैं, एक पक्ष भी होगा और एक विपक्ष भी होगा, यानी कुछ सकारात्मक चीजें भी होंगी और कुछ नकारात्मक भी चीजें होंगी, कुछ सकारात्मक चीजें होंगी और कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आप सीटेट या यूपीटेट या कोई भी परीक्षा देते हैं जिसके माध्यम से आपको टीचर बनाया जाता है, उसमें पेडागोजी क्यों पूछा जाता है, अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है 2022 में, तो आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आखिर हमारे सिलेबस में पेडागोजी क्यों रखी गई है। आपकी अवधारणा को विकसित करने के लिए कोई भी चीज है, कोई भी सिक्का है, उसके दो पहलू होंगे, एक हेड एक टेल, कोई भी चीज है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सकारात्मक भी पहलू होगा और कुछ ना कुछ उसका नकारात्मक भी पहलू होगा, और सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के अध्ययन को ही पेडागोजी नाम दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, पेडागोजी। अभी मैंने आपको परिवार बताया यहां पर कि परिवार क्या होता है, खानदान क्या होता है, परिवार, फैमिली। अगर मैं आपसे कहूं कि फैमिली दो प्रकार की बताई मैंने, संयुक्त और नाभिकीय यानी एकल, अब इस संयुक्त और नाभिकीय जो परिवार बताए हमने, कुछ ना कुछ इनके क्या होंगे, कुछ ना कुछ इनके सकारात्मक पहलू भी होंगे और कुछ नकारात्मक पहलू भी होंगे। अगर मैं यहां से लिखूं कि संयुक्त परिवार के सकारात्मक पक्ष, आखिर संयुक्त परिवार समाज में क्यों आवश्यक है, सकारात्मक पक्ष, आखिर संयुक्त परिवार समाज में क्यों आवश्यक है, बताएं। सीधी सी बात है, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, एक कहानी याद आ जाती है, एकता में शक्ति है, अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका आक्रमण नहीं कर सकता। यहां पर ना केवल बाहरी व्यक्ति से बात है, यहां पर कोरोना वायरस से भी बात है, यहां पर बाहरी बचाव से बात हो रही है आपकी। यदि आप एकजुट रहते हैं, यदि आप संयुक्त रहते हैं, तो बाहर से आने वाली विपत्ति का आप सामना कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख रहे हैं कि आज कोरोना फैल रहा है और मोदी जी ने सार्क देशों से मिलकर इस वायरस से लड़ने की बात कही। सार्क देश, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षे जिसको बोलते हैं, ठीक ना,
हमने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आइएगा सब लोग जुट जाइएगा और इस वायरस का मुकाबला करते हैं। कैसे हो जाइएगा, मिल जाइएगा, कैसे बन जाइएगा, संयुक्त हो जाइएगा। अगर हम एक एक से लड़ेंगे तो शायद इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर हम संयुक्त रहते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हम समाज में हो, तो हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का, बाहरी वस्तु का या बाहरी आक्रमण का हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो बाहरी आक्रमण से बचाओ, बाहरी आक्रमण से बचाव हो सकता है हमारा, ठीक ना। दूसरी बात, यदि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आजकल जो हमारी एक दूसरे से दूरियां बनती जा रही हैं, होली का त्योहार आया, मैं भी होली पर अपने घर गया, ठीक ना। देखिएगा, इस सब्जेक्ट को मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं भी होली पर गया, मुझे भी रंग लगाया गया होली पर, लोग बाग सेल्फी ले रहे हैं। तो सेल्फी मोबाइल के माध्यम से सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे को उसी पर मैसेज कर रहे हैं, भाई हैप्पी होली, बहन हैप्पी होली, हैप्पी होली डूड, इस प्रकार के शब्द यूज किया जा रहा है। और सामने दूसरा बंदा बैठा है, उससे आप बोल ही नहीं रहे हैं, यानी मोबाइल ने हम लोगों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया। अगर संयुक्त परिवार रहता है तो एक चोट हम मोबाइल पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने परिवार पर फोकस करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आपसी सद्भाव बढ़ेगा, बताइएगा। चार लोग अगर आपके साथ रहेंगे तो आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा। अगली बात क्या होगी, अगली बात ये होगी कि अगर हम मिलजुल कर रहते हैं, अगर संयुक्त परिवार है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। मान लीजिएगा आपके घर में आप दो लोग हैं, आप और आपकी पत्नी है, और मान लीजिएगा सब्जी बनाई जा रही है, आलू की सब्जी बनाई जा रही है, और बाहर से एक व्यक्ति और आने को रह गया है, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसमें एक आलू और थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के हम उस सब्जी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने नहीं बढ़ाया तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति बाहर से अपने लिए खाना मंगाएगा और उसका खाना लगभग 50-100 रुपए से कम का नहीं आने वाला, फालतू का उसकी पॉकेट पर क्या बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। यानी अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रति व्यक्ति आय में बचत कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। इस संयुक्त परिवार के सकारात्मक पक्ष हैं। अब जो संयुक्त परिवार के सकारात्मक पक्ष हैं, यही नाभिकीय परिवार के नकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। अब हम आपको अभी नाभिकीय परिवार बाद में पढ़ाएंगे। अब चलिएगा, अब अगर हम बात करते हैं नाभिकीय परिवार के सकारात्मक पक्ष, नाभिकीय परिवार के सकारात्मक पक्ष, यहां पर मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूं, दो चीजें एक ही में लिख दे रहा हूं। अगर संयुक्त परिवार रहता है तो बच्चों को एवं बूढ़ों को अकेलेपन की समस्या से नहीं उलझना पड़ेगा, अकेलेपन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर संयुक्त परिवार है तो आप अगर जॉब भी करते हैं, आप पति पत्नी अगर जॉब भी करते हैं, और अगर आपका संयुक्त परिवार है और आपके पास बेबी है, तो आप उस बेबी को किसी को दे भी सकते हैं। आप दादा को दे दीजिएगा, उसकी चाची है, आंटी है, बुआ है, उनको दे दीजिएगा, वो उसको खिलाती रहेंगी और आप लोग जॉब पर जा सकते हैं। और अगर मान लीजिएगा आपके पास संयुक्त परिवार नहीं है, तो जब आप जॉब पर जाएंगे तो अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए आप क्या करेंगे, एक आया का इंतजाम करेंगे, एक व्यक्ति का इंतजाम करेंगे, जो व्यक्ति आपके बच्चे का भरण पोषण कर सके, आपके बच्चे को जब तक आप नहीं है जब तक उसको वो खिला सके, अकेलेपन का उसको महसूस ना होने दे। आप बताइएगा कि जब आप ऐसे व्यक्ति को रखेंगे तो आपकी पॉकेट से कुछ ना कुछ रुपए उसको देना पड़ेगा, जब आप उसको कुछ ना कुछ रुपए देंगे तो आपकी जो आय है, उस आय में जो आपकी बचत है, बचत में कमी आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, बचत में कमी आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी, ठीक ना, चलेगा। और अगर आप नहीं रहते हैं, आपके माता पिताजी अकेले घर पर हैं और आप चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो जो बूढ़े लोग होंगे उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मेरा बेटा पैसे कमाने व्यस्त है, मेरी ओर देख नहीं रहा है, उन्हें अकेलेपन की समस्या से क्या हो जाएगा, जूझना पड़ेगा, ठीक ना। आइएगा, नाभिकीय परिवार के सकारात्मक पक्ष समझते हैं। और नाभिकीय परिवार के सकारात्मक पक्षों में सबसे पहला पक्ष ये है कि जो नाभिकीय परिवार है उनमें क्या होगा,
कि यदि मान लीजिएगा दो ही व्यक्ति कमाते हैं, दो ही व्यक्ति, एक घर है जिसमें 10 व्यक्ति हैं और दो ही व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, तो उन दो व्यक्तियों को 8 व्यक्तियों का खर्च उठाना पड़ेगा, उन दो व्यक्तियों को उन 8 व्यक्तियों का खर्च उठाना पड़ेगा। यानी नाभिकी परिवार में क्या है, अगर आप नाभिकी परिवार है तो आपकी बचत, बचत में आप वृद्धि कर सकते हैं, आप बचत में क्या कर सकते हैं, आप बचत में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर नाभिकी परिवार है, नाभिकी परिवार है, आप और आपकी मिसेज ही अकेली हैं, मतलब आप मान लीजिए गर्ल्स हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, मान लीजिए मैं हूं, मैं और मेरी पत्नी हैं और हम दोनों ही लोग हैं, तो और हमारे साथ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं हमारा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लोग काम पर जा सकते हैं, और दोनों लोग काम पर जा सकते हैं तो दोनों लोग अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं, अधिक मात्रा में दोनों लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पीसीआई इससे भी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम इससे भी बढ़ता है, ठीक ना, चलेगा। अगर हम नाभिकी परिवार में हैं, अगर हमारा नाभिकी परिवार है और मैं और मेरी मिसेज दोनों लोग कार्य पर जाते हैं, तो और इतना किसी के पास समय नहीं है कि घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और खाना के कार्य कर सके, इसके लिए हम बाहर से एक व्यक्ति को बुलाएंगे, तो जब बाहर से हम व्यक्ति को बुलाएंगे तो उसको हम कुछ ना कुछ पैसे भी देंगे, उसको हमारे यहाँ कार्य करेगा उसको कुछ ना कुछ पैसे देंगे, तो उस व्यक्ति को हम रोजगार दे सकते हैं। नाभिकी परिवार में हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, नाभिकी परिवार में क्या दे सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। नाभिकी परिवार में ये भी हो सकता है कि मान लीजिएगा मैं तो कमाता हूं लेकिन मेरी पत्नी कुछ काम नहीं करती है, तो मेरी पत्नी को हो सकता है कम लोगों के लिए कार्य करना पड़े, कम मात्रा में भोजन बनाना पड़े, उसको आराम मिले, ये हो सकते हैं नाभिकी परिवार के सकारात्मक पक्ष। लेकिन सकारात्मक पक्षों से यहां पर नकारात्मक पक्षों की वरीयता अधिक है। जो भी संयुक्त प्रकार परिवार के सकारात्मक पक्ष हैं, यही नाभिकी परिवार के नकारात्मक पक्ष हो जाएंगे, यही नाभिकी परिवार के नकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। कैसे, अगर आपके पास नाभिकी परिवार है, हम और हमारी पत्नी है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमारे लिए बचाव का कोई साधन नहीं होगा। अगर हम दो ही व्यक्ति हैं, मान लीजिएगा हमें किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है या हमें किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो हम किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं, हम नाभिकी है, क्योंकि हमारा कोई नहीं है, हम नाभिकी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पढ़ने का ही तरीका है कि जो भी संयुक्त परिवार के सकारात्मक पक्ष होंगे वही नाभिकी या एकल परिवार के क्या हो जाएंगे, नकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। पहला समझा। दूसरा, आपसी सद्भाव बढ़ेगा। जब दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की अगर आपसी में कोई रंजिश हो जाती है, आपसी में छोटा मोटा सा कोई झगड़ा हो जाता है, तो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं रहेगा, दोनों के बीचों में मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब दोनों के बीचों में मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर तनाव रहेगा कि हमारे बीच में कोई नहीं है, और इससे इस प्रकार दोनों लोग एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। आप देख लीजिएगा, भारत में वैसे तो डिवोर्स विवाहस होता नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन फिर भी कई सारे मामले आते हैं। आप देखिएगा, डिवोर्स तभी होता है जब नाभिकी परिवार होगा, संयुक्त परिवार में कभी भी डिवोर्स जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। पति पत्नी अकेले होते हैं तो अपने मन का कार्य करते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, और जब वो संयुक्त परिवार में होते हैं तो सास ससुर ननद वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं जो रोकने टोकने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक ना। नाभिकी परिवार में है तो आपका पीसीआई भी कम होगा, क्यों होगा, हमने बता दिया है। अगर आप नाभिकी परिवार में है तो आपके बच्चों एवं बूढ़ों को अकेलेपन की समस्या होने लगेगी। आपने एक देखा होगा, एक फेसबुक पर देखिएगा, हम ऐसा आपको क्यों समझा रहे हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, और आप तभी बच्चों को पढ़ा पाएंगे जब आपको आपका परिवेश की चीजें आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। परिवेश, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक फोटो चल रहा था कुछ दिन पहले, एक बच्चा है जो अपने घर का गेट पकड़ के खड़ा रहता है मम्मी पापा की याद में, दिन भर उसके मम्मी पापा कार्य पर जाते हैं और दिन भर वो गेट पकड़ के मम्मी पापा के लिए खड़ा रहता है गेट पर, तो कहीं ना कहीं नाभिकी परिवार के कारण उसमें अकेलेपन की क्या पड़ रही है, अकेलेपन की उसमें समस्या बढ़ रही है, ठीक ना। आइएगा, दूसरा पहलू देखते हैं। अगर हम बात करें के संयुक्त परिवार के नकारात्मक, तो जो भी नाभिकी परिवार के सकारात्मक पक्ष हैं वही संयुक्त परिवार के क्या हो जाएंगे, नकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। संयुक्त परिवार में क्या होगी, बचत में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक ना। अधिक मात्रा में यदि आप ही कमाते हैं तो आपको खर्च अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, इस प्रकार। अब आइएगा, इनको आप समझ गए हैं अच्छे से भली भांति, मुझे लगता है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, और ये मैं दैनिक आपको जोड़ के बता रहा हूं, उदाहरण आपको दे रहा हूं, ठीक ना। दूसरी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर आप
आपका जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो आपका आयोग है जो ये परीक्षा करा रहा है, उसने इस टॉपिक को यहां पर क्यों रखा? क्योंकि आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, और शिक्षक, एक शिक्षक को हमारे समाज के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, और एक बच्चे को वो तभी शिक्षित कर सकता है जब उसके पास समाज को और परिवार को समझने की जिम्मेदारी होती है। एक क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ पढ़ाया जाता है? बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ उसके परिवार में पढ़ाया जाता है, उसके परिवार में, और परिवार में तभी उसको पाठ पढ़ाया जाएगा अगर वो संयुक्त परिवार में है तो उसके अंदर इन चीजों की खूबियां पाई जाएंगी, और वो नाभिकीय परिवार में है तो उनमें इन चीजों की खूबियां नहीं पाई जाएंगी। भारत में अधिकांशतः संयुक्त परिवार पाए जाते थे, और लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे नाभिकीय परिवारों बदलते जा रहे हैं। लेकिन आज भी विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में संयुक्त परिवार अधिक है और नाभिकीय परिवार कम है, जबकि विश्व में नाभिकीय परिवार अधिक है। तो आप दोनों में तुलना भलीभांति कर सकते हैं। हम लोग भावुक होते हैं लेकिन अन्य देशों के लोग हमारे जितने भावुक नहीं होते। क्यों? भावुकता वहीं पर आएगी जहां पर संयुक्त परिवार होगा, फैमिली होगी, हमारा रिलेशन होगा, और भावुकता वहां पर नहीं आएगी जहां पर नाभिकीय परिवार होगा। ठीक ना? तो हम ज्यादा भारत के लोग ज्यादा इमोशनली होते हैं, ज्यादा भावुक होते हैं, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी WHO के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा। भारत के लोग बहुत अधिक मात्रा में भावुक होते हैं, तो भावुक होने का कारण मालवृद्ध रिलेशन होता है। ठीक ना, समझ गए? तो ये आपका पहला टॉपिक रहा। इसी प्रकार से आने वाले छोटे छोटे से टॉपिक रहेंगे जिनको हम एक एक से समझते जाएंगे। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर सीटेट क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा गाइडेंस, अच्छे टीचरों का होना बहुत आवश्यक है। जुलाई में परीक्षा होने वाली है, मार्च में हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने हम लोगों को मिलेंगे। आराम आराम से एक एक से हम पढ़ते जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जो भी आपसे प्रॉमिस किए जाते हैं वह प्रॉमिस 100% क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक ना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।